हम चाहते हैं कि हमारी बदतमीजियों पर आप भी नजर रखें। बाबा साहब के आप वंशज हैं, क्या पता हम में से किसी पत्रकार को ज्यादा थप्पड़ लग जाए, हम भी आने वाले 10-20 साल बाद राज्यसभा सांसद बन जाए। जय भीम, आपकी आवाज देश विदेशों तक पहुंचाते हैं हम, पर आपके जय भीम से नाराज है थोड़े से हम। जय भीम, मजा नहीं आ रहा। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लो, फिर ताली बजा लो कि तब बताऊंगा क्यों। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जंगल में हिरन, भेड़िए, लकड़बग्घे अनगिनत होते हैं, शेरों की संख्या कम ही होती है, और आप बाबा साहब के वही शेर हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लो। साथियों, मेरा नाम है मनोज अंतानी, सभी साथी परिचित हैं। बहुजन मीडिया आप एक ग्रुप दिल्ली के अंदर चलता है, दिल्ली का ग्रुप है वैसे तो, लेकिन उसके अंदर पूरे देश के लगभग 150 के करीब पत्रकार उसके अंदर सम्मिलित हैं। उस बहुजन मीडिया हब का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, आदरणीय राहुल नागपाल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुमन जी उसकी सचिव हैं, किरण जी उसकी सचिव हैं, नाम भूल जाते हैं छोटी बच्ची का, रोशनी की रिपोर्टिंग उसकी सचिव है, SS बहुजन उसके सचिव हैं, तमाम बहुजन मीडिया की टीम यहाँ पर खड़ी है। शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन शिकायत तो है कि बाबा साहब ने 4-4 अखबार निकाले थे मीडिया के लिए, क्योंकि उनको मीडिया की कमी अखरती थी। जब मैंने उस बात को सुना तो जिस मीडिया के लिए मैं काम करता था उस मीडिया को छोड़कर मैंने अपने बहुजन समाज की, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की आवाज़ उठानी शुरू की और अपना समता आवाज़ TV चैनल शुरू किया, और तब से आज तक लगभग 60-70 मीडियाकर्मी दिल्ली NCR के अंदर समता आवाज़ TV आपके बीच में प्रस्तुत कर चुका है। समता आवाज़ TV को मीडियाकर्मी बनाने की एक फैक्ट्री भी कहा जाता है। आप चाहें तो इस पर एक ताली बजा सकते हैं जोर से। अगर अपने बच्चे की बात समझ के सुन के भी आपको उल्लास से न भर जाते हो और कहना पड़ता हो ताली बजा दीजिए तो बड़े शर्म की बात है। आप सोचिए कि जिस मीडिया की कमी माननीय काशीराम साहब को खलती थी, उन्होंने एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारा जो उनसे उल्टे सवाल पूछ रहा था, और आज वो राज्यसभा सांसद है। हम चाहते हैं कि हमारी बदतमीजियों पर आप भी नज़र रखें। बाबा साहब के आप वंशज हैं, क्या पता हम में से किसी पत्रकार को ज़्यादा थप्पड़ लग जाए, हम भी आने वाले 10-20 साल बाद राज्यसभा सांसद बन जाए। हमारी कमियों पर नज़र रखिए, हम जो खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं उन पर खबर रखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए कि आज जो आपने खबर दिखाई है उसके अंदर आपने ये कमी छोड़ी है। आपको इस खबर को ऐसे नहीं ऐसे दिखाना है, क्योंकि हम लोग जो 60-70 मीडियाकर्मी आपके पास दिल्ली NCR में आपके कार्यक्रमों में जाते हैं वो प्रशिक्षित मीडियाकर्मी नहीं है, लेकिन उनके अंदर दर्द है एक छोटा सा कि चलो अंताली जी के साथ, रोशनी के साथ, किरण के साथ या तमाम साथी सुमन जी के साथ उनको देख देख कर उन्हें लगता है कि मोबाइल का सही प्रयोग उनको करना चाहिए, तो वो मीडियाकर्मी के रूप में आप लोगों के बीच में आते हैं, तो उनकी कमियों को बताना भी आपका फर्ज बन जाता है। आदरणीय रंजीत बाबू जी, पिछले कई वर्षों से मैं भारतीय बौद्ध महासभा को कवर कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो चाहे पूरे भारत की हो, समता सैनिक दल को, बाबा साहब के जितने भी संगठन हैं सबको, और बाबा साहब के इतर जितने भी लाखों संगठन समाज ने बनाए हैं उन सबको मैं कवर कर रहा हूँ। कई बार कहा जाता है कि अंतानी जी आप हमारे मीडिया कर्मी बन जाइए, हमारे संगठन के मीडिया कर्मी बन जाइए, तो मैं मना कर देता हूँ, भाई संगठन से बन जाऊँगा तो दूसरे वाले लोग मेरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं तो जब भी सुबह सोकर उठते हैं अपने बहुजन मीडिया चैनल्स की खबरों को आप प्ले करके, जब आप नहाने जा रहे हों, जब आप फ्रेश होने जा रहे हों, प्ले करके छोड़ दीजिए। कम से कम आपका एक व्यूवर्स उसकी काउंटिंग में आएगा तो यूट्यूब से जो उसको इनकम होनी है वो आपके माध्यम से हो पाएगी। अभी क्या होता है, अगर एक ठुमका सपना चौधरी लगा दे तो एक घंटे के अंदर
20,000-30,000 लोग उसके ठुमके को देख लेते हैं, लेकिन जब हम खबरें लगाते हैं तो 5-5, 6-6 दिन तक इंतजार करते रहते हैं कि अभी 100 आदमी ने भी खबर नहीं देखी है। बस इतनी सी सिफारिश है कि आप लोग अपने बहुजन समाज के चैनलों को देखें। भारतीय बौद्ध महासभा का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे एक अपनी बात रखने का मौका दिया। रंजीत बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।